इस दुनिया में हर किसी के पास उनकी एक सपनों की लिस्ट होती है जिसे वो अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते हैं। हर किसी के सपने अलग अलग होते हैं। कोई पूरी दुनिया घूमना चाहता है, कोई एक्सपेंसिव कार लेना चाहता है, कोई चांद पे जाना चाहता है और भी बहुत कुछ। लेकिन इस दुनिया में एक सपना ऐसा है जो शायद हर एक इंसान कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर ज़रूर देखता है और वो सपना है एक एक्टर बनने का। तो मेरे दोस्त, अगर ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले एक एक्टर बनने का तो उस मौके को कभी जाने मत देना। So what is up guys, my name is Ravi and you are watching my channel Unsuccessful. तो जो आज की वीडियो होने वाली है उसमें मैं बताने वाला हूँ that how I made my 5 to 10 second role in one of the finest web series ever made in India, that is Scam 1992, the Harshad Mehta story. इस खुशी में मैं जानता हूँ मेरा जो कैरेक्टर था वो बहुत छोटा था, लेकिन जो ये स्टोरी होने वाली है वो इस कैरेक्टर की नहीं होने वाली है। जो ये स्टोरी होने वाली है ये मुझे ये कैरेक्टर कैसे मिला, मैंने कैसे इसमें काम किया, ये स्टोरी उस पर होने वाली है क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ। तो गाइज आज के टाइम में जितने भी एक्टर्स हैं या फिर जितने भी आने वाले एक्टर्स हैं उन लोगों को लाइफ में हमेशा एक ना एक बार ये ज़रूर सुनना होता है कि आप अपना ऑडिशन बहुत अच्छे से देना। मतलब आप जहाँ भी ऑडिशन देने जा रहे हो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देना, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि आपका एक ऑडिशन आपने जो दिया है वो कहां से कहां पहुंच सकता है और कहां कहां सर्कुलेट होगा, आपको पता नहीं है। तो ये बात हमेशा हर एक एक्टर कहीं ना कहीं सुनता जरूर है। तो ये स्टोरी भी कुछ ऐसी है क्योंकि गाइस मैंने स्कैम 1992 वेब सीरीज के लिए आज तक ऑडिशन दिया ही नहीं। जी हाँ गाइस, अब हो सकता है आप लोग यहां पर सोचेंगे बिना ऑडिशन के काम कैसे मिल गया, लेकिन नहीं, काम मुझे मिला ऑडिशन के बेसिस पर ही, लेकिन मैंने स्कैम 1992 वेब सीरीज के लिए ऑडिशन नहीं दिया था। तो गाइस यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है असली वाली। तो गाइस सितंबर का टाइम चल रहा था, सितंबर 2019 की बात है, 2019 में सितंबर का टाइम चला था, मुझे आज भी याद है सितंबर का लास्ट वीक चल रहा था। और मैं उस दिन रात को अराउंड 25 या 26 तारीख होगी, उस दिन मैं रात को अपना मोबाइल में व्हाट्सएप चेक कर रहा था, क्योंकि हम लोग को जो मैसेज आते हैं कास्टिंग वगैरह के वो व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसमें मैसेज आते हैं। तो वहाँ से मेरे को एक शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन में बुलाया गया था नेक्स्ट डे और मुझे वहाँ पे जाना था। तो मैं उसी का मैसेज पढ़ रहा था, मैं एड्रेस वगैरह देख रहा था, तो हुआ है कि मैंने फाइनल किया कि मुझे पहुँचना है, 10 बजे का टाइम था, मेरे को 10 बजे पहुँचना था वहाँ पे। और तभी मुझे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आता है जो एक्टर नहीं है बाय प्रोफेशन वो डांसर है, लेकिन उसने मेरे को बोला कि अगर ऑडिशन देने जाने वाला है तो मुझे बता देना, हम लोग साथ में चलेंगे। तो मैंने पूछा क्यों, तो उसने मुझे बताया कि मैं भी फ्री हूँ, मैं भी ऑडिशन दे देता हूँ, क्या पता मेरा हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कल जा रहा हूँ ऑडिशन देने, तो मेरे साथ चलना, वहाँ पे कोई ओपन ऑडिशन हो रहा होगा, तू भी दे देना ऑडिशन। तो वो मान गया और अगले दिन वो आया, हम लोग साथ में ऑडिशन देने गए और हम लोग ऑडिशन देने गए थे म्हाडा में। अब देखो काफी लोगों को पता नहीं होगा कि ये म्हाडा क्या है। शॉर्ट में बोलूं तो यार देखो मुंबई में दो जगह है, म्हाडा और एक आरामनगर। मतलब यहाँ पे ये ऑडिशंस का हब है, मतलब यहाँ बहुत ऑडिशन होते हैं, मतलब डेली ऑडिशन होते रहते हैं। तो हर एक एक्टर आपको वहाँ मिल ही जाएगा, मतलब जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं सब वहाँ पे दिखाई देंगे आप लोगों को। तो म्हाडा में और आरामनगर में बहुत ऑडिशन होते हैं, तो हम लोग कहते हैं म्हाडा में ऑडिशन देने के लिए। मुझे आज भी याद है कि जानकी देवी पब्लिक स्कूल के बाजू में एक स्टूडियो था, शायद 107 था, मुझे याद नहीं है, बट हाँ वहीं पर ऑडिशन था और शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन था। तो मैं वहाँ गया और मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी था। फिर मैंने कहा मैं अंदर ऑडिशन देके आता हूँ, तुम वेट करो। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन था। तो मैं अंदर गया, मैंने ऑडिशन दिया, वहाँ पर मेरा ऑडिशन हो गया और उस दिन मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ था, तो मैं बहुत खुश था। तो जो व्हाट्सएप पर जो अपडेट आया था मेरे को जिस ऑडिशन पर मुझे जाना था वो तो ऑडिशन दे दिया और मेरा बहुत अच्छा हुआ। तो हम वहाँ से निकले ऑडिशन के बाद, हम देखने लगे कहीं ओपन ऑडिशन तो नहीं हो रहा है। फिर हमने देखा कि 4-5 स्टूडियो छोड़कर एक स्टूडियो में थोड़ी भीड़ लगी हुई है। फिर हम वहाँ पे गए, हमने देखा वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे भी एक ऑडिशन चल रहा था, वो ओपन ऑडिशन था और वो एक मूवी के लिए ऑडिशन था, मतलब कुछ कैरेक्टर रोल्स थे उसके लिए ऑडिशन था, कोई फ्रेंड का कैरेक्टर था हीरो के, तो उसी के लिए था। तो हमने पता किया कि क्या एज ग्रुप है करके। तो वहाँ पे लकीली हम दोनों का, मेरा और मेरा फ्रेंड का दोनों का लुक था वो मैच हो गया था, तो उन्होंने बोला कि ऑडिशन आप लोग दे दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने वहाँ पे भी ऑडिशन दिया और हमको वहाँ पे 1-1.5 घंटा लग गया अराउंड, क्योंकि वहाँ थोड़ी भीड़ थी, कम से कम 10-12 लोग पहले से थे हमारे आगे। तो वहाँ पे 1-1.5 घंटा लग गया हम लोगों को, लेकिन हाँ वहाँ पे ऑडिशन दे दिया एंड मेरा ऑडिशन वहाँ पर भी बहुत अच्छा हुआ, मतलब जैसा मैं चाह रहा था वैसा मेरा ऑडिशन हो गया और ऊपर से जो ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने भी थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया था। तो ये एक्टर को एक बहुत अच्छा लगता है जब कोई कास्टिंग डायरेक्टर या फिर जो कास्टिंग कर रहा होता है वो दिल से कोई तारीफ कर दे तो अच्छा लगता है। बाकी उन्हें सिलेक्शन होना ना होना वो तो डिपेंड करता है आगे की प्रोसेस पर, तो उसकी बात बाद में करेंगे फिर कभी। तो दूसरा ऑडिशन दिया मैंने, वो
भी अच्छा हुआ और मेरा पहला ऑडिशन भी बहुत अच्छा हुआ, तो अब मैं बहुत खुश था। लेकिन हम थक गए थे अब, क्योंकि यार क्या होता है ना, वहाँ पे जो स्टूडियो होते हैं बड़े नहीं होते हैं, तो आप लोगों को लाइन में ही खड़ा होना पड़ता है, तो ऊपर से धूप थी, ऊपर से बॉम्बे में गर्मी बहुत होती है, तो हम लोग थोड़ा थक गए थे और हम लोगों को प्यास वगैरह लगी थी। और हमने सोचा कि अब घर चलते हैं, ऑडिशन हो गया और आसपास कोई ऑडिशन दिख नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि ठीक है घर चलते हैं। लेकिन प्यास लगी हुई थी तो हमने देखा आसपास कोई शॉप नहीं है। अब माढ़ा में क्या है ना, जो पहली लेन है शायद D1 लेन है, मुझे याद नहीं है सही से, तो एक शॉप उसमें, एक दो शॉप उसमें है, और बाकी जो इधर पीछे वाली लेन है वहाँ पे एक भी शॉप नहीं है। जो कोई एक्टर देख रहा है इस वीडियो को तो वो रिलेट कर सकता है, वहाँ एक भी शॉप नहीं है, वहाँ पे स्टूडियो है खाली। फिर जो लास्ट में अपोजिट साइड, मतलब कि पहली लेन ये है और इस साइड एक पहला रास्ता है और एक लाइन इस साइड है, और इस साइड एक शॉप थी, तो हम एकदम एंड में पहुँच चुके थे यहाँ पे। फिर हमने देखा कि एक शॉप है उस वाली लेन में लास्ट वाली, वो खुली हुई थी। फिर हम वहाँ पहुँचे, हमने सोचा कि हाँ पानी वानी पी लेंगे फिर निकलेंगे वहाँ से। हम वहाँ पहुँचे, हमने देखा, हम बैठे वहाँ पे, और जहाँ पे शॉप थी उसके सामने एक और स्टूडियो था जो खुला हुआ था। वहाँ पे अराउंड 5-6 लोग थे, तो मैंने बोला ये कौन सा स्टूडियो है, क्योंकि उस लाइन में बहुत कम ऑडिशन होते हैं, मतलब बहुत ना के बराबर ऑडिशन होते हैं, मतलब होते होंगे मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखे थे, मैंने पहली बार देखा था कोई ऑडिशन चल रहा था वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है होगा कोई, लेकिन हम बहुत थक गए थे, हमारा कोई प्लान नहीं था कि वहाँ पे ऑडिशन देना है। फिर हमने पानी पिया आराम से वहाँ पे बैठे 5-10 मिनट, अब वहाँ पंखा का लगा हुआ था, आराम से बैठे हम लोग, थोड़ा फ्रेश फील हुआ हम लोगों को। उसके बाद हमें पानी पी के हम निकल रहे थे वहाँ से, फिर मैंने अचानक से सामने वाले स्टूडियो में जहाँ पे ऑडिशन चल रहा था वहाँ एक कास्टिंग डायरेक्टर को देखा। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उनको मैं जानता था, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में मैं था उसमें वो कई बार आ चुके थे। अब मैं उनको जानता था, मुझे नहीं पता था कि मुझे सामने से पहचानते हैं कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन हमने बात तो करी थी। अब होता है ना कास्टिंग डायरेक्टर बहुत बिजी होता है, मतलब अब उसको हज़ारों लोग मिलते हैं डेली, तो ये याद नहीं होता है कि उनको जानेंगे नहीं जानेंगे। तो मैं उनके पास गया, मैंने पूछा सर क्या है क्या नहीं है, किस चीज़ का ऑडिशन है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ यहाँ पे टीवी शो का ऑडिशन चल रहा है। हाँ टीवी शो का ऑडिशन चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने पूछा कि सर मैं फिट हूँ, मेरा फ्रेंड है, हम लोग फिट हैं क्या इसमें, हम लोग ऑडिशन दे सकते हैं, क्योंकि मैं उस कास्टिंग डायरेक्टर को जानता था। तो मेरे को लगा ठीक है आए हैं तो यहाँ भी दे देते हैं। तो उन्होंने पहले देखा ऊपर से नीचे तक, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप लोग फिट हो आप दे सकते हो। और हमारे आगे ऑलरेडी 6-7 लोग थे, और जब हम आ गए उसके बाद एक दो लोग और आए पीछे, फिर उनको देखा कास्टिंग डायरेक्टर ने और मना कर दिया कि आप लोग फिट नहीं हो करके आप लोग जाओ। उन्होंने कहा कि आज के लिए टाइम अप हो चुका है। तो लास्ट हम थे, अब हमारे आगे 5-6 लोग और थे, फिर ऑडिशन चल रहा था, धीरे धीरे वो लोग भी निकले, और इतना होने में अराउंड 1 घंटा लग चुका था। अब जब हमारा नंबर आया तो मेरे फ्रेंड को बोला भाई पहले तू चले जा, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो मेरा फ्रेंड बोला ठीक है मैं जाता हूँ। और जब वो बाहर निकला ऑडिशन देखे तो वो बहुत खुश था, तो उसने बोला मेरे को भाई मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ, मज़ा आ गया एकदम, ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ उसका ऑडिशन, उसने ऐसा बोला मेरे को। और उसने बोला कि कास्टिंग डायरेक्टर ने बकायदा मेरा नंबर लिखा है आराम से, और रजिस्टर पर भी नंबर लिखा है, मेरा नंबर सेव भी किया उसने। तो मेरे को लगा हाँ अच्छा दिया होगा। अब देखो यार मेरे को ये बात लगी कि अभी जो 2 ऑडिशन दिए हमने, मतलब एक ऑडिशन मैंने दिया और एक ऑडिशन उसने भी दिया, उस ऑडिशन को देने के बाद उसने ऐसा नहीं बोला था कि मेरा बहुत अच्छा गया, तो शायद बहुत अच्छा होगा इस बार इसलिए ऐसा बोल रहा है। फिर मैं भी ये अंदर, मैंने भी ऑडिशन दिया वहाँ पे, और फिर ऑडिशन देने के बाद यार मुझे लगा कि यार मेरा वो बेस्ट नहीं था, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं था उस ऑडिशन से, क्योंकि इतना खास नहीं हुआ था जैसा मैं चाह रहा था, मैं अंदर सोचा था मैंने, वैसा वो नहीं हुआ। तो मेरे को लगा कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा लो हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं थक गया था, मैं सोचा थकान हो चुकी है शायद इसलिए नहीं हुआ होगा। फिर उन्होंने मेरा नंबर लिखवाया वहाँ पे, और मैंने फिर इंट्रो शूट किया एक। तो जब मैं गेट से निकल रहा था वहाँ से बाहर, तो मेरे को लगा कि अब शायद मेरा भी नंबर मांगेंगे, ये भी सेव करेंगे, तो लेकिन उन्होंने नहीं रोका मुझे। फिर मेरे को लगा कि हाँ शायद मैंने डल किया, थोड़ा मैंने लो किया, मुझे ही लग रहा है मैंने लो किया है। फिर वहाँ से ऑडिशन देने के बाद हम लोग निकले, मैं अपने घर गया, मेरा फ्रेंड अपने घर चला गया, और 1-2 दिन हमने कॉल का वेट किया, कॉल आएगी कहीं से आएगी, लेकिन कहीं से कॉल वॉल नहीं आई। फिर 4th दिन हम बात भूल गया, उसके बाद नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गई। फिर ऑडिशन बहुत दिए ऐसे, वैसे अक्टूबर निकल गया। अब मेरे को लग रहा था कि एक ग्राउंड घर से मार के आ जाऊँ, मतलब मेरा क्या है कि मैं अगर 3-4 महीने कंटिन्यू मुंबई में ऑडिशन वगैरह दे रहा हूँ, अगर काम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है, लेकिन मैं एक ब्रेक हमेशा लेता हूँ, मतलब 15 दिन का 1 महीने का ब्रेक घर से लेके आता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ मुंबई। तो मेरे को लगा कि मेरे को घर जाना चाहिए, एक ब्रेक लेता हूँ और पूरा 1 महीना घर पर रह के आता हूँ, पूरा दिसंबर घर पर रह के आऊँ, न्यू ईयर सेलिब्रेट करके आऊँ घर से, तो मैंने ही सोचा था। उसके बाद सोचते तो पहले टिकट्स का भी सोचना पड़ता है कि कहीं बीच में काम ना आ जाए, कुछ हो जाए, तो पूरा प्लान करते करते नवंबर निकल गया। अब आता है दिसंबर का, और 6 तारीख की बात है, दिसंबर 6 तारीख की बात है, मैं टिकट्स कर रहा था, मतलब मैं सोचा था कि मैं 7-8 या 9 तारीख के टिकट करा के घर चले आऊँगा, उसके बाद मैं आऊँगा सीधा 5 या 6 जनवरी को। तो मैं चेक कर रहा था कि टिकट्स कौन है, पेटीएम पे चेक कर रहा था मैं कौन से टिकट करूँ कैसे नहीं करूँ, और 6 तारीख की रात की बात है, फिर अराउंड 9 या 10 बजे की बात होगी, तो उस टाइम मेरे को एक मैसेज आता है हेलो, और वो था एक कास्टिंग डायरेक्टर का, मतलब जिस कास्टिंग डायरेक्टर को मैं जानता था उनका मैसेज आता है मेरे को हेलो, उनका नंबर मेरे पास सेव था क्योंकि उनका नंबर दे दिया आता है, तो उनका मैसेज आता है हेलो। और जब एक कास्टिंग डायरेक्टर का मैसेज आता है ना किसी एक्टर को जो स्ट्रगलिंग एक्टर होता है, तो उस टाइम मतलब अलग ही लेवल का, समझ नहीं आता हो क्या गया, दिल बहुत तेजी से धक धक करने लगता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, मैंने अटाक से पेटीएम हटाया, फटा पहुंचा मैं व्हाट्सएप पे, मैंने बोला हेलो सर, फिर उन्होंने सामने से मेरे से पूछा कि आर यू करंटली अवेलेबल इन बॉम्बे। अब भाई इतना सुनने के बाद
अब मैं क्या बोलूँ, मतलब जो कोई एक्टर देख रहा है इस वीडियो को तो वो रिलेट कर सकता है कैसा होता है। तो मेरी महदिल जोरदार को कि मैं हटाओ टिकट विकेट छोड़ो नहीं जाना घर पे। मैंने कहा यस सर आई एम अवेलेबल। तो उन्होंने बोला ठीक है 8 तारीख को मतलब परसों एक शूट है सुबह चर्च गेट पहुँचना पड़ेगा। हाँ और 6:30 बजे का कॉल टाइम था सुबह सुबह। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं पहुँच जाऊँगा। और तो उन्होंने बोला मैं एड्रेस एड्रेस सबको सेंड करता हूँ आप लोग आप देख लो ठीक है। मैंने कहा ओके सर। तो एड्रेस आया फिर सामने से थोड़ी देर बाद कॉल आता है उनका। उन्होंने बताया कि मेरा एक असिस्टेंट है वो वर्सोवा में रहता है तो आप दोनों साथ में आ जाना। मैंने कहा ठीक है ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम साथ में आ जाएंगे क्योंकि मैं उस लोकेशन पे आज तक कभी गया नहीं शूट वूट करने के लिए। तो मेरा फर्स्ट टाइम था वहाँ पे। तो गाइस अब तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं शूट कर किसके रहा हूँ मतलब किस चीज़ के शूट के लिए मैंने हाँ कर गया। क्योंकि मेरे को बोला गया था एक टीवी शूट है वहाँ पे। तो मुझे याद आ गया कि हाँ इनके पास तो ऑडिशन दिया था मैंने मैं जानता हूँ। तो इन्होंने बताया था कि कोई टीवी शो है उसका ऑडिशन है। अब भाई उस दिन तो मैं सोया नहीं रहा था लिटरली मैं रात भर नहीं सोया। मैंने रात भर पबजी खेला अपने दोस्तों को बताया भाई ये मैं नहीं सोया उस दिन। तो ऐसे करके 6 तारीख को भी था और फिर 7 तारीख बीत गई और 8 तारीख को सुबह सुबह मैं 4 बजे उठ के तैयार था सुबह सुबह कि आज पहुंचना है लेट नहीं होना है मुझे याद था कि हाँ जाना है भाई मतलब बहुत एक्साइटेड था मैं। फिर ठीक है फिर कैसे कैसे हम पहुँचे स्टेशन पे अंधेरी स्टेशन पे और वहाँ से लोकल पकड़ के सुबह सुबह चर्च गेट पहुँचे और वहाँ पे BLC के पास शूट चला था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास। फिर वहाँ गए वहाँ पे वो जो कॉस्ट्यूम डायरेक्टर के जो असिस्टेंट थे वो मुझे लेकर गए कॉस्ट्यूम वालों के पास। उन्होंने देखा होगा बोला ठीक है। फिर 1-2 घंटा मुझे वैनिटी में बैठाया आराम से उसके बाद कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहनाया पूरा और वेट करने लगा। और इतना करते करते मेरे को अराउंड 7:30 बज चुके थे मतलब हाँ 7:30 बज चुके थे। फिर मेरे को बुलाया गया सेट पे। फिर मैं सेट पे पहुंचा और जब मैं सेट पे पहुंचा तो जो मैंने पहला चेहरा देखा वो था हंसल मेहता सर का। अब जैसे उनको मैंने देखा तो मेरे दिमाग में आया ये तो टीवी के डायरेक्टर ही नहीं है मतलब टीवी शो के डायरेक्टर नहीं तो मूवीज़ के डायरेक्टर है क्योंकि मैं जानता था उनको पहले से। अब जब मैंने उनको देखा तो मैंने दिमाग शूट किस चीज़ का करने आया मुझे भी बताओ। और उस टाइम मुझे इतना अजीब लग रहा था यार कि मैं किसी से पूछ नहीं सकता हूँ कि ये शूट किस चीज़ का चल रहा है। अब मैं मतलब मैं शूट करने आ चुका हूँ कॉस्ट्यूम पहन के रेडी और मुझे पता नहीं है शूट कर किस चीज़ कर रहा हूँ। जब मैं फिर मैं सेट पर पहुंचा मेरे को जो असिस्टेंट थे वो हंसल मेहता सर के पास लेकर गए और फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा आपका नाम क्या है मैं तैयार रवि है वो। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। तो हंसल मेहता सर ने कहा कि तुम्हारा जो शॉट लगने वाला है वो पहला ही शॉट लगने वाला है तो रेडी रहना। मैंने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ। तो उसके बाद जब शॉट लगा स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपको ऐसा ऐसा करना है। तो भाई लोग जो उस टाइम वाला मोमेंट था ना उस मोमेंट को मैं कभी नहीं भूल सकता। मतलब यार वहाँ पे बहुत सारे लोग थे मतलब लिटरली 50-60 लोग थे वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट से लेकर क्रू वाले सब लोग थे वहाँ पे। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बीच में और हंसल मेहता सर सामने खड़े हैं और मेरे को बता रहे हैं और ऐसे नहीं बता रहे मतलब मेरे को बताया गया था कि आपको चाय लेनी है और जो चाय के लिए कहते हैं क्या कहते हैं जिसमें चाय ग्लासेस रखे होते हैं मुझे पता नहीं उसको लेके ऐसे ऐसे जाना है ये पाथ फॉलो करना है और जहाँ पे खड़े हो जाना है। उन्होंने बकायदा मेरे को बोला कि मैं कर रहा हूँ आप सामने से देखो और मुझे समझा रहे थे और सब लोग वहाँ पे हमें देख रहे थे। तो उस मोमेंट को मैं कभी नहीं भूल सकता मतलब यार एक होता है ना एक मोमेंट बन जाता है तो उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। तो उन्होंने समझाया मेरे को ऐसा करना है। मैं कहा ठीक है सर। उसके बाद शॉट लगा सब कुछ क्लियर हो गया और मेरा शॉट डन हो गया और मैं साइड में जाके बैठ गया चेयर पे जो साउंड डायरेक्टर होते हैं साउंड मैनेज करते हैं उनके पास और वहाँ पे हंसल मेहता सर भी बैठे हुए थे मैं उनके बाजू में बैठा हुआ था वहाँ पे साउंड डायरेक्टर बैठे हुए थे और एक और भैया थे बैठे हुए थे और उस साइड सामने शूट हो रहा था। तो उस टाइम फ्रेमिंग नहीं था तो मेरा जरूरत नहीं था वहाँ पे और मैं इतना स्टूपिड कि मैंने एक फोटो तक नहीं ली सर के साथ मतलब मैं भूल गया था फोटो लेना क्योंकि वहाँ का जो माहौल था ना वो अलग था यार मतलब बहुत अच्छा माहौल होता है एक सेट का एक अच्छे डायरेक्टर के साथ अच्छे एक्टर लोगों के साथ शूट करते हो ना तो वहाँ का माहौल जो वहाँ का जो वाइब्स होता है बहुत अलग होता है। अगर कोई एक्टर देख रहा है तो वो रिलेट कर सकता है। तो शूट फिनिश हुआ धीरे धीरे फिर हमारा शूट हुआ पैकअप हुआ पूरा और मैंने सोचा फिर मैं जब मेरा पैकअप हो गया कि मैं जाता हूँ फटाफट चेंज करके और एक फोटो ले लूँगा फोटो लेना इंपॉर्टेंट है। और मैं गया फटाफट से चेंज करने गया और जब वापस आया तो शायद हंसल मेहता जा चुके थे कि मेरे को दिखे नहीं वहाँ पर वो नहीं दिखे। बस इसी बात का रिग्रेट रह गया कि यार मैं फोटो नहीं ले पाया। बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरे साथ काम करने का उन्होंने बहुत अच्छे समझाया पूरा सेट का जो माहौल था वो बहुत अच्छा था। तो गाइस ये थी पूरी स्टोरी कि मेरे को एक काम मिला कैसे और मैंने शूट किया कैसे और लास्ट में मेरे को शूट करने के बाद पता चला कि ये है स्कैम 1992। और एक और बात बताना चाहूँगा तो ये बात आप लोगों को कोई नहीं बताएगा जो वाली आवाज़ सुनी थी ना आपने मार्केट क्रैश हो गया तो वो जो रोल किया था वो उस टाइम उन्हीं कास्टिंग डायरेक्टर ने किया था जिन्होंने मेरे को कास्ट किया था। तो गाइस ये पूरी स्टोरी। तो गाइस जो भी एक्टर लोग ये वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई अपकमिंग एक्टर देख रहा है तो अगर आपको ये बात बोली जाती है कि आपको अपना ऑडिशन अच्छा ही देना चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं आपका ऑडिशन कहाँ से कहाँ सर्कुलेट हो जाएगा तो गाइस ये बात बिल्कुल सच है। पहले मुझे भी लगता था कि फालतू बात है लेकिन नहीं मेरे साथ हुआ है ऐसा तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा होता है। गाइस कहीं भी अपना ऑडिशन दो तो गाइस अच्छे से देना। बाकी सबको ऑल द बेस्ट जो भी एक्टर्स हैं आप। और तो गाइस यही थी पूरी स्टोरी यही था कैसे क्या हुआ कैसे काम मिला कैसे मतलब किसी और चीज़ के ऑडिशन देने का था कैसे कहाँ पे पहुँच गया तो ऐसा ही होता है गाइस। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक कर देना शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो। तो भाई लोगों आप लोग से मिलता हूँ बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर।